नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकी वर्ल्ड में स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी कच्चे आलू की वड़ी। अरे कच्चे आलू की वड़ी, हाँ दोस्तों आपने सही सुना, हमने आज बनाया कच्चे आलू की वड़ी। जैसे इस वड़ी को आप सब्जी भी बना सकते हो, ऐसे भी नॉर्मल खा सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो और बहुत तो ज्यादा करे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते कच्चे आलू की वड़ी। अभी यहाँ पर हमने 5 आलू लिए दोस्तों, कच्चे वाले। मेरे पास तो छोटे आलू थे इसलिए मैंने 5 लिए हुए, आपके पास बड़े हो गए तो 3 आलू लेना है। अभी हम आलू के छिलके निकाल लेना है दोस्तों। इसी तरह से हमें छिलके थोड़े भी नहीं चाहिए, आलू पहले धो लेना है और इसके छिलके निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने सारे आलू के छिलके निकाल लिए दोस्तों, इसको अभी धोना नहीं है, पहले ही आलू को धो के ही छिलके निकालना है। अभी आपको लगा मैंने क्यों नहीं धोया, मैंने इसलिए नहीं धोया कि जो आलू का जो स्टार्च होता है वो हमें चाहिए, जब जाके हमारी वड़ी में जो फ्लेवर होगी बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर ले लिया हुआ है, बाकी के आलू को साइड रख लेते हुए ग्रेटर से, बड़ी वाली हमें ग्रेटर चाहिए, छोटी वाली नहीं चाहिए। इससे जो लच्छे होंगे वो बड़े बड़े आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो लच्छे हमें इसे बड़े बड़े चाहिए। इसी तरह से मैं आपको लेके बताऊंगी, जो ये लच्छे लग रहे इसे बड़े बड़े हमें लच्छे चाहिए। तो बाकी के सारे आलू के हम ऐसे लच्छे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सारे आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया और इसी तरह से देख रहे हो परफेक्ट। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, अभी यहाँ पर मैंने 3 या 4 इमली लिए दोस्तों। इसी तरह से इसको मैंने 2 घंटा पानी में भिगो के रखा था और यहाँ पे मैंने आधा ही जितना गुड़ लिया हुआ है। अभी आपको लगा मीठा क्यों, क्योंकि हम लोग जब बनाएंगे वड़ी तो इसका बैलेंस बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट में बहुत बढ़िया आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ही गुड़ मिला दिया, मैंने दिखाने के लिए आपको बताया हुआ इतना मैंने गुड़ इसमें डाला हुआ है। अभी हम इसको हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, जो इमली का जो पल्क होता है यानी कि वो निकल जाना चाहिए, तो इसको हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेते हो। इसका हमें सिर्फ पानी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया, देखो इमली को। अभी इसको साइड में रख लेते, अभी हम लोग बेसन का आटा ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने बेसन का आटा लिया है दोस्तों, वो भी टाटा संपन्न बेसन का आटा लिया होता है। जैसे आप सभी को मालूम है टाटा संपन्न बेसन का आटा ये अनपॉलिश चना दालों से बनी होती है। अभी यहाँ पे हम लोग कट करेंगे और 2 कप बेसन का आटा ले लेते हैं टाटा संपन्न का। अभी यहाँ पे ये वाला मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है 2 कप, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं, टाटा संपन्न बेसन का आटा 2 कप डाल देते हैं। अभी यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है 2 कप। अभी यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करना है, ये तीखी वाली थोड़ी भी होती नहीं दोस्तों। 1 चम्मच यहाँ पे धना जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर लेना है, 1/2 चम्मच अजवाइन, इसको हमें अच्छी तरह से क्रश कर लें, जो इसकी फ्लेवर होती है बहुत बढ़िया आती है, इसको इसके हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च कटी हुई, ये तीखी वाली नहीं थोड़ी कम तीखी वाली, तो आपको ज़्यादा तीखापन या कम पसंद हो तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हुई है, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और यहाँ पे हमने हल्का सा धनिया डाल देना है इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है जो हमें पल्प बनाया था वो ले लेते हैं, यानी कि इमली गुड़ का वो डाल देना है, छन्नी से छान लेना है, यानी एक भी गुठली हमारी इसमें जानी नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग इसे कर लेते हैं। हाँ दोस्तों घर पे बनाना है, बहुत बढ़िया लगती है खाने की वड़ी। अभी यहाँ पे हमने इसको अच्छे से साइड कर लेते हैं, अभी इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सारी सामग्री डाल दी, अभी इसको हाथों से मिक्स करना है, चमचे से करना नहीं है, हाथों से। अभी जैसे हमें लगा वैसे ही इसमें अंदर और एक्स्ट्रा पानी डालना है, पहले ज़्यादा डालते बैठना नहीं, जैसे लगा वैसे ही। अभी तो हमने इमली का वो डाला था पल, तो हमें कम लगेगा पानी, ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने इमली का पानी 1 कप जितना इसको पानी लिया था, यानी इसके अंदर ही मैंने इमली और गुड़ भिगो के रखा था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाला हुआ है। तो मुझे अभी लग रहा है मुझे पानी लगने वाला ही नहीं है, इसी तरह से मैं आपको लेके बताऊँगी। अभी हम स्टीमर ले लेते हैं, यानी कि बर्तन। अभी यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे था, यानी केक का आपके पास जो भी बर्तन या थाली कुछ भी हो तो उसमें आप कर सकते हो, अभी मेरे पास था ये मैंने ले लिया हुआ। अभी यहाँ पे 2 चम्मच जितना ऑयल डालना, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना, ऑयल से क्या होगा जब हम वड़ी निकालेंगे तो इजीली निकल जानी चाहिए, तो ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है पूरी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने सारे ग्रीस कर लिया, यानी ऑयल से। यहाँ पे 1 चम्मच ले लेंगे बेसन का आटा जिसे हमने बनाया था, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है दोस्तों हमें चमचे के सहायता से। ये बहुत खाने में बहुत बहुत बढ़िया लगती है, एक बार आप खाओगे ना तो बस खाने का मन बहुत होता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, कभी भी खाने का मन हो तो आप फ्रिज में से निकाला, फ्राई किया या शैलो फ्राई किया आप खा सकते हो। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फैला दिया, थोड़ा टैप कर लेंगे, यानी सब जगह इक्वल लग जाएगा हमारा बेसन का आटा। अभी आप देख रहे हो कहाँ भी ज़्यादा मोटा नहीं है, इसी तरह से हमें कर लेना है। अभी यहाँ पे जो मैंने लच्छे बनाए थे यानी कच्चे आलू को इसके ऊपर डाल देना है इसके तरह से, जब हम इसको फ्राई या शेलो फ्राई करेंगे दोस्तों बहुत बढ़िया लगते हैं, तो इसको हमने इसे थर लगा लेना है इसी तरह से। तो हम यहाँ पे आलू पे लगा लेते हैं।
अब यहाँ पे मैंने सारे आलू के थर लगा लिए दोस्तों। मैं आपको एक बताना चाहूंगी, आप कौन सी कितनी भी लेयर, 2, 3, 4 जो आपको अच्छा लगा उतनी लेयर आप कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं एक ही लेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरा स्टीमर थोड़ा छोटा है, इसीलिए यहाँ पे बेसन का आटा डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से फैला देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पूरा बेसन लगा लिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ पे आलू के लच्छे डालना है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूंगी, गीता आपने तो पहले ही आलू के लच्छे इन्हें ग्रेट कर ले तो आलू काले नहीं गिर जाएंगे, है ना, एक प्रश्न चिन्ह हो जाता। हाँ दोस्तों, आलू काले गिर जाएंगे तो आपने क्या करना, पहले बेसन बना लेना है, जब हमें आलू के लच्छे चाहिए तब हमें यहाँ पे ग्रेट कर लें, तब आपके आलू काले गिरेगी नहीं, इस बात का ध्यान देना। मैंने आपको बताने के लिए मैंने पहले ही आलू को ग्रेट कर लिया था, तो लग तो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा काला है ना, तो कोई बात नहीं, आपने बाद में ग्रेट कर लेना है। तो अभी हम इसको स्टीमर में रख लेते हैं, ज्यादा हमें यहाँ पे लच्छे डालने नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर हमने पहले स्टीमर रख लिया था क्योंकि पानी पहले गर्म होना चाहिए, तब हमारी वड़ी बहुत परफेक्ट होती है। देखो पानी अच्छी तरह से उबालना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग स्टीमर रख देते हैं, यानी कि और इसको 20 मिनट परफेक्ट इसको स्टीम करना है, 20 मिनट, तो इसको 20 मिनट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके, हम लोग चेक करेंगे, वाव कितना फूल क्या है। अभी इसको ठंडा होने के बाद ही कट करना है। अभी ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है दोस्तों, एकदम परफेक्टली देख रहे हो, एकदम उसका कलर कितना आ रहा है एकदम। अभी यहाँ पे अपने आप ही छूट गया, यहाँ पे मैंने चक्कू भी लगाया नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी साइज के वड़ी निकालेंगे, आपको जो साइज का करना है वो साइज का आपने कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग छोटी साइज का करना है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे कट कर लिया, आप इसको लंबा भी रख सकते हो, यानी यही साइज में, मैं थोड़ा मीडियम साइज रख लूँ, इसको बीच में से मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसको एक प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सारे कट कर लिए दोस्तों, देखो एकदम परफेक्टली लेयर, मैं लिख के बताऊंगी आपको, वाव है ना। रहा तो आप इसकी सब्जी करके भी खा सकते हो, आपको जैसे मन चाहे वैसे खा सकते हो। अभी हम इसको शेलो फ्राई कर लेना है। अभी यहाँ पर अभी एक पैन रख लिया है दोस्तों, यहाँ पे ऑयल डालना है, 2 चम्मच ऑयल डालना है हमें क्योंकि हम इसको शेलो फ्राई करने वाले हैं, तो 2 चम्मच ऑयल डाल देना ही है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका, हमें ऐसे रखना है दोस्तों, अपोजिट रखना है क्योंकि जो हमें आलू थे हमारे वो क्रिस्पी भी हो जाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, तो इसको संभाल के रखना है इसी तरह से, तो सारे हम इसे ही रख देना है। अब यहाँ पे एक जगह हो गया, अब यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके सारी जगह में इसे पलटी कर लेना है, बस संभाल के करना है, लेयर छूट भी जा सकती है, तो इसे सारे हम इसे पलटी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हो गया, मुझे यहाँ पे 4 या 2 मिनट ही लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है दोस्तों। अभी इसको एक सर्विसिंग प्लेट में ले लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया, कच्चे आलू की बेसन की वड़ी, है ना दोस्तों, कुछ अलग ही है और बहुत ही इजीली बन जाती। इसका एक प्लस पॉइंट ये कि आप इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो, इसको स्टोर भी करके रख सकते हो। तो हाँ दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करना है और कमेंट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।